नमस्कार दर्शकों, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। हमें हमारी सूचनाओं द्वारा पता चला है कि आज बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में कार बस की भिड़ंत में 3 जने घायल हो गए, जिन्हें तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नेतृत्व में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार श्री डूंगरगढ़ तहसील के बीघा गाँव के पास सड़क किनारे खड़ी बस में कार जाकर भिड़ गयी। इसमें सवार 6 जने घायल हो गए। इसमें से 3 जने के ज्यादा चोटें आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। फिर एक बार बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। यह घटना सीकर के रामगढ़ गांव की है। भेरामल कुएं के पास बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 4 कमरों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी पैसे चुराए। मंजू देवी पत्नी भगवती प्रसाद लढ़ानिया के घर में हुई चोरी। चलिए जानते हैं घर के सदस्यों द्वारा। मंजू देवी हमारे पास होती है और आज सुबह घर आई तो सब 4 कमरे के ताले टूटे हुए थे और चोरी हो गई। और पुलिस आके जब देखी तो पैसे गए, एनेट चोरी सब हो गई। सर, ताई के घर में और कोई नहीं रहता है क्या? ताई के घर में और कोई नहीं रहता है, ताई हमारे पास होती है। सिक्कर के पास रामगढ़ शेखावटी में सर्दी का सितम जारी। सर्दी से लोग हो रहे हैं परेशान। कोहरे के कारण तापमान में हुई बढ़ोतरी। कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे से लोग हो रहे हैं परेशान। आज का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री हुआ दर्ज। 3 दिनों से माइनस में चल रहा था तापमान।